हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली थी, मैं आप लोगों को बता दूँ, उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरे ना फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया था। और आजकल ऐसे ही हो रखा है, बजट तो 2-3 दिन में हुआ है, कब से मैं रिक्वेस्ट कर रही थी डाल दो बैलेंस, तो 3-4 दिन में जाके उन्होंने डाल दिए हैं। और बाबू देखिए मेरी गोद में है, और अभी सोया था मैं, तो मैंने बर्तन धोए हैं क्योंकि सुबह से नहीं धोए थे, और झाड़ू लगाई है। और आजकल जो है मेरा काम ऐसे होता रहता है, किसी भी टाइम होता है, कोई टाइम नहीं है, रूटीन नहीं है। तो आज मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली है, 3-4 दिन से नहीं बना पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर इसमें पैसे नहीं होंगे, नेट नहीं होगा, तो कैसे वीडियो डालेंगे, है ना। और ये देखिए कपड़े रखे हुए हैं, और उधर भी। वैसे मेरा जो है अभी फिलहाल सारा काम हो चुका है, देखिए सब ये कपड़े जो है रखे हैं ना चेयर पे, इनको मुझे फोल्ड करना है, अभी तय लगा के रखनी है। और बाहर तो कोई भी आता रहता है बेचने वाला, कुछ भी बेचने वाला आता रहता है। तो चलिए मिलते हो आपसे बाहर ना, बच्चों के कपड़े बेचने वाला आया, तो मैं देखती हूँ इसकी कैप मिलती है क्या। अगर मिलती है तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद अभी एक ही कैप है, यही वाली, और ये गंदी हो गई है, और लाने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं देखती हूँ उसके पास है क्या। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ना बाबू के, मैंने ये दो टोपे और ये उसके लिए मोजे ले लिए हैं मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ, फोन को कहाँ रखूँ। तो देखिए ये ना दो टोपे लिए हैं मैंने उसके लिए, एक जैसे ही हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये रेड कलर में है, रेड और वाइट, और ये ब्लू और वाइट में। इसका रेड यहाँ है, और सॉरी इसका वाइट यहाँ है, और इसका वाइट यहाँ, दोनों सेम ही है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो बाबू के पास ना एक था, तो वो गंदा हो रहा है ना, मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कोई आए आए तो। और ये लिए हैं दो मोजे, दो जोड़ी इसके लिए, ये देखिए। तो ये मुझे मिला 170 में दिया उसने, पहले तो 70-70 के इन दोनों को बता रहा था, और 20-20 के ये दे रहा था। देखो 10-10 के देने चाहिए, 20-20 के ये दिए हैं, और इनको 70-70 के बता रहा था, लेकिन सब कुछ मैंने 170 में लिया है, 170 में दिया उसने, बिल्कुल भी कम नहीं किए, थोड़े बहुत कम किए बस, और ज़रूरत थी तो लेने पड़े, बहुत महंगाई पड़ गई, बहुत बाबा रे बहुत महंगे मिलने लगी सब चीज़ें पर, लेकिन बच्चों के लिए तो लेना ही है ना। ये देखिए, हाय बेबी, ओए बेबी, कहाँ कर रहे हो बाबू, कहाँ कर रहे हो? मेरे फोन की आजकल लाइफ कैसी हो जा रही है? हाय बाबू, ओ बेबी, क्या कर रहे हो? सोना बाबू क्या कर रहे हैं? हाँ क्या कर रहे हैं हमारा बेटू? ये देखो हमारा बेटा दिव्यांश। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ देखते हैं, कुछ खाने बनाने बनाते हैं खाना वाना, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह से ना बस पराठे बनाए थे मैंने, ऐसे ही नमक वाले पराठे बनाए थे, अब भूख सी लग रही है, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। मैं सोचूँ ये सो जाए तो मैं कुछ बना लूँ, क्योंकि इसके जागते हुए तो नहीं कर सकती ना, मैं काम में लगूँ और ये रोने लगे, इसलिए अभी ना मुझे बालों में कंघी करनी है, मैंने कंघी नहीं की है। और टाइम क्या हुआ, 4:15 हो गए हैं, और मुझे कपड़े लाने हैं ऊपर से उतार के, तो मैं सबसे पहले कपड़े ले आती हूँ ऊपर से। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ना मैं ये दाल बना रही थी, उड़द और चने की दाल मिला के, इसको हमारे यहाँ मिस्सी दाल बोलते हैं। तो ये दाल काफ़ी टेस्टी लगती है, तो मैंने इसको धो के गैस पे चढ़ा दिया, पानी डाल के, ये देखिए, और इसके अंदर डाल दिया मैंने नमक, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी, और मैं इसके अंदर अभी इसी टाइम पर टमाटर ऐड कर दूँगी ताकि अच्छे से पक जाए। तो ऐसे भी दाल बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगती है। और बस यहाँ पे मैं लहसुन छील ले रही हूँ, क्योंकि बाबू जो है सो रहा था, मैंने सोचा कुछ फ़ायदा उठा लेती हूँ टाइम का, अगर वो सो रहा है तो बस लहसुन छीन लूँगी। और सर्दियों में ना लहसुन वगैरह खाना चाहिए, गर्म होते हैं, और वैसे भी गैस वगैरह भी नहीं बनती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गैस की प्रॉब्लम है तो नहीं बनता है गैस भी। और बस लहसुन से टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, कई सारे फ़ायदे हैं लहसुन खाने के, ऐसी कोई बात नहीं है कि है। तो बस ये लहसुन छीलूँगी और उसके बाद दाल को तड़का दूँगी। और हाँ, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो, और अगर आप बताना चाहते हो कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ, अगर मेरी वीडियो में आपको, वैसे तो मेरी वीडियो में काफ़ी सारी कमी होती है, लेकिन आप बता सकते हैं कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम ऐसे ही सीखते हैं। अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं और अच्छे से सीख जाऊँगी। ये तो मैंने खुद ही से, मतलब मैं खुद ही से ये सब सीखी हूँ, खुद ही से मैंने सब कुछ अपने आप से यूट्यूब से ही सीखा है सब कुछ।
तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं तड़का लगा रही थी जैसे ही, तो वैसे ही मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मेरा दिमाग बहुत ख़राब। एक तो इतने दिनों बाद वीडियो बनाई और फ़ोन स्विच ऑफ, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है शिव्यांश, वो मानता नहीं है बिल्कुल भी फ़ोन देखने लगता है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला था, तेल के अंदर जीरा अदरक लहसुन और इनको अच्छे से पका रही थी, और तभी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो बस डायरेक्ट मैं मिलूंगी आपसे, मेरी दाल तैयार हो जाएगी तब, क्योंकि मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, चार्ज हुआ फ़ोन 10%, उसके बाद मैंने उसको हटाया तब, कि देखिए मेरी दाल जो है एकदम रेडी हो गई है। और ठीक ठीक सी दाल खाते हैं, देखिए इस तरीके की दाल खाना पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे सब लोग। पतली दाल कोई भी नहीं खाएगा, पसंद ही नहीं करेगा कोई, तो इस तरीके की दाल खाते हैं, चाहे वो कोई सी भी दाल हो। और यहाँ पे मेरे चावल जो हैं वो भी बन रहे हैं। तो ये आज हमारा डिनर था दाल चावल, क्योंकि मेरे बेटे, बड़े बेटे शिव्यांश को दाल चावल बेहद पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है उसको दाल चावल। तो मैंने सोचा यहाँ पे आपको थोड़ा सा किचन दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा मैसी होके रखा सारा किचन, ये देखिए थोड़ा बर्तन भी पड़े हैं सिंक में, और यहाँ पे भी अच्छे से सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो है बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो ये हमारा खाना है दाल चावल, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।